हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन माय चैनल। तो टुडेज रेसिपी इज स्टीम चिकन मोमो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, और जहाँ पे ठंड रहता है, ठंड वाले इलाका में, हिल स्टेशन में बहुत ही ज़्यादा इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कैसे घर पे बना सकते हैं हम स्टीम चिकन मोमो। आप देख रहे हैं जेन्युइन रेसिपीज़, कुछ असली रेसिपीज़। तो चिकन मोमो बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे हमने लिया है अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन, जिसको हमने मिंस कर दिया है बहुत बारीकी से, एकदम कट कर दी। देखिए यहाँ पे लिया है कोरिएंडर लीव्स फाइनली चॉप कर दिया है, 6-7 सेल्स ऑफ गार्लिक लिया है फाइनली चॉप, 2-3 पीसेस ऑफ ग्रीन चिली फाइनली चॉप, एंड सम स्प्रिंग ऑनियंस लिया है फाइनली चॉप करके। देखिए अभी हमारा जो चिकन है उसको हमने ब्लेंड कर लिया है, ब्लेंड करके एक कोर्स पेस्ट बनाया है स्टफिंग के लिए। इसमें हम अभी ऐड कर देंगे हमारे कोरिएंडर लीव्स जो हमने पहले फाइनली चॉप करके रखा था, ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज भी जो हमने पहले फाइनली चॉप किया था, और ऐड कर देंगे हमारा जो स्प्रिंग अनियन है। तो सारे चीज़ को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करके उसका स्टफिंग बनाएंगे। देखिए हमारा स्टफिंग जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, हमने यहाँ पे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया है। नाउ वी विल प्रिपेयर द आउटसाइड कोटिंग ऑफ मोमो। देखिए यहाँ पे हमने लिया है अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पज फ्लोर यानी मैदा, उसमें हमने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया एंड सम ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऐड किया। उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम हल्का हल्का या फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ग्रेजुअली, और उसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि सॉफ्ट डो ना बन जाए। देखिए अभी हमारा जो यहाँ पे डो है, मैदे का जो डो है वो हो चुका है रेडी, हमने इसको अच्छे से सॉफ्ट कर दिया है। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया हमने अराउंड 1/2 टेबल स्पून, और चारों तरफ से उसको अच्छे से कोट कर दिया है ऑयल को। इसको हम ऐसे ही रख देंगे फॉर अराउंड 15 मिनट्स, वील कवर इट। सो नाउ वील प्रिपेयर द चटनी। चटनी बिना मोमो बिल्कुल अधूरा रहेगा। तो चटनी बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिया जिसको स्लाइस कर दिया बैक साइड से। अभी इसको हम करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड करने के लिए हमको चाहिए पानी। पानी हम गर्म करेंगे पहले, और उसको बॉयल करेंगे टमाटो को 4 से 5 मिनट। जब बॉयल हो जाए तब स्किन को पील ऑफ करेंगे। यहाँ पे हमने हमारा ब्लेंडेड जो टमाटो है वो ले लिया है, और साथ में ऐड किया ड्राई रेड चिली 2 एंड ग्रीन चिलीज एंड सम गार्लिक 2-3 पीसेस। तो सबको साथ में हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंड करके बनाएंगे चटनी। इससे पहले देखिए यहाँ पे हमने ऐड किया रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट। तो सबको हमने पेस्ट पर किए। देखिए यहाँ पे हमारा चटनी जो है वो हो गया है रेडी। वो डिलीशियस चटनी रहता है, परफेक्ट रहता है मोमो के साथ। इसके बिना मोमो का टेस्ट जैसे बिल्कुल। नाउ विल प्रिपेयर द आउटसाइड कोटिंग ऑफ मोमो। देखिए यहाँ पे हमें डो जो है डो रेडी हो चुका था 15 मिनट के बाद। हम यहाँ पे छोटे छोटे जो राउंड सर्कुलर शेप में हमने इसको छोटे छोटे पीसेस ले लेंगे, आप मोमो के साइज के हिसाब से लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसको हमने अच्छे से प्लेन कर दिया है, फ्लैटन कर दिया है, जैसे हम रोटी या जो पूरी बनाते हैं, जैसा मोमो का साइज होगा उसके हिसाब से आप इसको लीजिएगा। देखिए अभी हम चारों तरफ जो हमने बनाया उसके चारों तरफ से पानी लगाया है ताकि सील अच्छे से हो। अभी यहाँ पे हमने थोड़ा स्टफिंग लिया है चिकन का जो हमने पहले बनाया था, और इसे सेंटर में रखना है, रख के हमको इसको चारों तरफ से सील करना है। बहुत तरीके होते हैं सील करने का, डिज़ाइन अलग अलग होता है। हमने यहाँ पे 3 डिज़ाइन दिखाया है, ये रहा पहला डिज़ाइन। देखिए इसको बॉर्डर से आप लेके ऐसे पहले तो इसको क्लोज कीजिए, इसके बाद हाथों से उसको फोल्ड कीजिए ताकि आप उसको डिज़ाइन आए अच्छा सा, लुक अच्छा दिखे। आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आपसे खुद से भी कर सकते हैं। ये एक डिज़ाइन मैंने दिखाया और 2 डिज़ाइन दिखाएंगे। तो ये हो गया रेडी। अभी हम दिखाएंगे और एक तरीका या और एक डिज़ाइन। देखिए सिमिलरली हमको पहले पानी से बॉर्डर को गीला करना है, यू टू मेक इट वेट टू स्टिक। सो इसके बाद हमको स्टफिंग लेना है, स्टफ लेके सिमिलरली सेंटर पे यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद हमको जो डिज़ाइन करेंगे हम इसको देखिए यहाँ पे ऐसे करना है, पहले इसको ऐसे आप जो वन एंड है उसको ऐसे फोल्ड करके डिज़ाइन कीजिए। देखिए ऐसा फोल्ड कीजिए, इसके बाद जो एंड रहेगा अदर साइड रहेगा उसको जो फोल्ड हमने डिज़ाइन किया उस पर स्टिक कीजिए और सील कर दीजिए। इसके बाद चाहे तो आप फिर से फोल्ड करके थोड़ा डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारा सेकंड डिज़ाइन हो गया है। तो ये होगा हमारा थर्ड डिज़ाइन। देखिए प्रोसेस सेम है, पानी से पहले हमको वेट करना है चारों बॉर्डर पे, इसके बाद स्टफिंग ऐड करेंगे सेंटर पे सिमिलरली, और हम इसको करेंगे अभी डिज़ाइन। देखिए डिज़ाइन के लिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे पहले फोल्ड करेंगे वन एंड को। देखिए ये फोल्ड का जो प्रोसेस है वो आप चाहे तो डिफरेंट तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमने
देखिए हमने फोल्ड कर दिया वन साइड, अदर साइड हम फिर से यहाँ पे ऐसे करेंगे स्टिक, और इसको हम थोड़ा सा प्रेस करके सील कर देंगे ताकि अच्छे से क्लोज हो जाए और हमारा थर्ड डिज़ाइन रेडी हो गया। देखिए हमारे सारे जो मोमोज है वो अभी रेडी है। हमने यहाँ पे तीन डिज़ाइन दिखाया, आप चाहे तो वेरियस क्रिएटिविटी से आपके मन से और भी डिज़ाइन इन्वेंट कर सकते हैं। तो सारे मोमो रेडी हो गए, अभी इसको हम करेंगे बॉयल। हम बॉयल के लिए हमने यहाँ पे इडली का, इडली जो बनाते हैं उसका हमने यूटेंसिल लिया है। आप चाहे तो प्रॉपर जो मोमो बनाते हैं जो स्टीम के लिए पोरस रहता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें इडली बनाने का जो यूटेंसिल है उसमें बनाएंगे। तो सारे मोमो को हमने प्लेस कर दिया देखिए इडली प्लेट में, और इसको अभी हम बॉयल किया हुआ जो पानी है उसमें ऐड करेंगे, ऐड कर दिया, और इसको स्टीम पे हम पकाएंगे देखिए, और कवर करके, देखिए हमने कवर कर दिया, और 10 से 15 मिनट लगेगा अच्छे से स्टीम में पकने के लिए। देखिए अभी हम स्टीम में पक के हमारा जो मोमोज है यम्मी मोमोज रेडी है। हमने इसको चटनी के साथ किया है सर्व, जो चटनी है मोमो के साथ डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा है और टेस्टी रहता है। घर पे बनाइए, आप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। जो नए व्यूअर्स है विजिटर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।